नमस्कार, आज के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। प्रदेश की राजनीति लाउडस्पीकर पर केंद्रित हो गई है। एक तरफ जहां मनसे प्रमुख राज ठाकरे अपनी जिद पर अड़िग है, वहीं सरकार पल पल की खबर रख रही है और उत्पन्न किसी भी परिस्थिति से निपटने का दावा कर रही है। राज ठाकरे ने हालांकि त्योहार के दौरान शांति बनाए रखने की अपील के साथ आज महाआरती जैसे कार्यक्रम आयोजित न करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई धार्मिक नहीं, सामाजिक है, इसीलिए तनाव पैदा करना नहीं चाहते। इस बीच नवनीत राणा की मुश्किलें अभी लगातार बनी हुई है। उनकी जमानत पर सुनवाई अब कल होगी तो मंत्री नवाब मलिक की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें ICU में रखा गया है। प्रदेश की इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम दे चुके महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। दरअसल राज ठाकरे के खिलाफ शिराला की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 6 अप्रैल को गैर जमानती वारंट जारी किया था। सांगली के शिराला में मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने 6 अप्रैल को मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ 2008 के एक मामले के संबंध में IPC की धारा 143, 109, 117, 7 और बॉम्बे पुलिस अधिनियम के 135 के तहत गैर जमानती वारंट जारी किया था। अदालत ने मुंबई पुलिस आयुक्त से गैर जमानती वारंट के तहत मनसे प्रमुख राज ठाकरे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। हालांकि इसके बावजूद मुंबई पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी को अंजाम नहीं दिया है। राज ठाकरे को एक पुराने मामले में भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। अदालत ने पुलिस से यह भी पूछा कि 6 अप्रैल को वारंट जारी करने के बाद भी राज के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2008 में मनसे कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे के समर्थन में परली में मौजूद राज्य परिवहन महामंडल की बसों पर पत्थरबाजी की थी। दरअसल रेलवे में प्रांतीय युवाओं की भर्ती मामले पर राज ठाकरे को साल 2008 में गिरफ्तार किया गया था। इस गिरफ्तारी के विरोध में मनसे कार्यकर्ताओं ने राज्य में कई जगहों पर विरोध किया था। अंबेजोगाई में ST बस को भी निशाना बनाया गया था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे द्वारा मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को हटाने वाला अल्टीमेटम आज खत्म हो रहा है। उन्होंने कुछ दिनों पहले चेतावनी देते हुए कहा था कि राज्य की मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को हटाया जाए, वरना मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पड़ी जाएगी। हालांकि ईद और अक्षय तृतीया को देखते हुए उन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं से आज शांत रहने की अपील की है। कहीं पर भी महाआरती न करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि किसी भी धर्म के त्यौहार में वह व्यवधान डालना नहीं चाहते। इस बीच राज ठाकरे ने घर पर ही पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा के विषय में विस्तृत चर्चा हुई। सबसे पहले त्यौहार के दिन कहीं पर भी महाआरती नहीं करने के निर्देश दिए। बता दें कि राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर के मुद्दे पर पिछले दिनों कड़वे बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि यह मुद्दा धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक है, लोगों को परेशानी होती है, धर्म की आड़ में लोगों की स्वतंत्रता से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। इस विषय पर आगे क्या करना है वे कल ट्वीट कर भूमिका स्पष्ट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है कि राज ठाकरे के औरंगाबाद में दिए भाषण की जांच की जा रही है, प्रशासन हर संभव वह कदम उठाएगा जिसके चलते किसी को कोई परेशानी न हो। राज ठाकरे के अल्टीमेटम पर राज्य के डिप्टी CM अजीत पवार ने हमला बोला है। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग पर निशाना साधते हुए अजीत पवार ने कहा कि राज्य में तानाशाही नहीं है और यह कानून का शासन बरकरार रहेगा। राज ठाकरे का नाम लिए बिना पवार ने कहा कि लोगों को उकसाना आसान है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र में सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा जिसे राज्य बर्दाश्त नहीं कर सकता। MNS प्रमुख के मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने संबंधी चेतावनी के बारे में पूछे जाने पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में तानाशाही की अनुमति नहीं दी जाएगी, कोई भी अंतिम चेतावनी नहीं दे सकता, यह कानून का शासन है और कानून सभी के लिए समान है, प्रत्येक व्यक्ति को कानून का पालन करना होगा। अगर कोई व्यक्ति सोचता है चीजें उसके हिसाब से चलेगी तो ऐसा नहीं होगा, हर किसी को कानून एवं संविधान का पालन करना होगा। बता दें कि मराठवाड़ा क्षेत्र के औरंगाबाद में एक रैली में राज ठाकरे ने कहा था कि वह मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए 3 मई की समय सीमा पर अड़ी गए और अगर ऐसा नहीं किया गया तो सभी हिंदुओं को इन धार्मिक स्थलों के बाहर हनुमान चालीसा बजानी चाहिए। हालांकि त्यौहार को देखते हुए अब 3 मई को महाआरती नहीं करने का फैसला मनसे ने लिया है। पार्टी अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा कि हम त्यौहार में खलल नहीं डालेंगे लेकिन जीत से पीछे भी नहीं हटेंगे।
हनुमान चालीसा विवाद के मामले में बीते एक सप्ताह से जेल में बंद सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत याचिका पर आज शाम 5 बजे अदालत अपना फैसला सुनाने वाली थी। हालांकि अब इस मामले में अदालत अब 4 मई को अपना फैसला सुनाएगी। राणा समर्थकों को यह उम्मीद थी कि आज उनके नेता जेल से बाहर आ जाएंगे, लिहाजा राणा दंपत्ति के घर पर समर्थक भी जुटने शुरू हो गए थे। अन्य मामलों की सुनवाई और समय के अभाव के चलते राणा दंपत्ति की जमानत पर अदालत आज फैसला नहीं सुना सकी। अब बुधवार को फैसला आने की उम्मीद है। राणा दंपत्ति की जमानत मामले में बचाव पक्ष और सरकारी वकील की तरफ से बहस का सिलसिला पूरा हो चुका है। अदालत के फैसले पर फिलहाल सभी की निगाह टिकी हुई है कि क्या राणा दंपत्ति को बेल मिलेगी या उन्हें कुछ और दिन सलाखों के पीछे गुजारने होंगे। दूसरी तरफ मुंबई महानगर पालिका ने नवनीत राणा और रवि राणा के घर पर नोटिस लगाया है। इस घर में अवैध निर्माण कराने की बात कही गई है। मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों ने राणा दंपत्ति के घर जाकर दरवाजे पर यह नोटिस लगाई। राणा दंपत्ति पिछले 10 दिनों से जेल में बंद है। हनुमान चालीसा विवाद में उनकी गिरफ्तारी हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की सार्वजनिक घोषणा से उत्पन्न विवाद में निर्दलीय लोकसभा सदस्य नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 23 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें आईसीयू में रखा गया है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पिछले हफ्ते यहाँ आर्थर रोड जेल में बंद 62 साल के नवाब मलिक ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए स्थापित विशेष अदालत से चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय ने अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए इसे मलिक द्वारा कानून के शिकंजे से भागने का प्रयास बताया था। जब मामला सोमवार को सुनवाई के लिए आया तो मलिक के वकील कुशल मोर ने अदालत को बताया कि जब एनसीपी नेता के परिवार के सदस्य उन्हें घर का खाना देने गए तो उन्हें बताया गया कि उन्हें सरकारी जेजे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। मोर ने अदालत को बताया कि मलिक, जिन्हें 2 महीने से अधिक समय पहले गिरफ्तार किया गया था, पिछले 3 दिन से बीमार है और उनकी हालत बिगड़ गई है और वह गंभीर है। वकील मोर ने कहा कि जेजे अस्पताल में कुछ परीक्षण करने की कोई सुविधा नहीं है जो उनके मुवक्किल के इलाज के लिए आवश्यक है और इसलिए उन्हें एक निजी चिकित्सा केंद्र में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। न्यायाधीश ने उनकी दलीलें सुनने के बाद कहा कि सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी से आरोपी के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में रिपोर्ट मांगना जरूरी है। उन्होंने ईडी अधिकारियों को चिकित्सा अधिकारी से रिपोर्ट एकत्र करने और यह पता लगाने का निर्देश दिया कि क्या नेता मलिक के इलाज के लिए आवश्यक सभी परीक्षण करने की सुविधा है। विशेष न्यायाधीश आर एन रोकड़े ने जेल अधिकारियों द्वारा मलिक की स्थिति के बारे में अदालत को सूचित नहीं करने और उन्हें अस्पताल ले जाने पर चिंता व्यक्त की। अदालत अगली सुनवाई 5 मई को करेगी। राजस्थान के जोधपुर में 2 समुदायों के बीच हिंसा की खबर है। बताया जा रहा है कि ईद की नमाज के दौरान हंगामा कर रहे लोगों ने करीब 1 दर्जन गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। तो ताजमहल में जलाभिषेक की जिद पर अड़े अयोध्या के छावनी तपस्वी अखाड़े के जगतगुरु परमहंसाचार्य को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ स्थित करबला ताजनगर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां दिल्ली से ईद मनाने आए इंजीनियर की हत्या कुकर से पीट पीट कर दी गई। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी कर्मचारी को किया गया अतिरिक्त भुगतान उसके रिटायरमेंट के बाद इस आधार पर नहीं वसूल किया जा सकता कि उक्त वेतन वृद्धि किसी गलती के कारण हुई थी। तो उधर वैज्ञानिकों की एक टीम ने टेपियोका के पत्तों से बिजली पैदा करने की तकनीक विकसित की है। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। राजस्थान के जोधपुर में 2 समुदायों के बीच हिंसा की खबर है। बताया जा रहा है कि ईद की नमाज के दौरान यह हंगामा बरपा। हंगामा कर रहे लोगों ने करीब 1 दर्जन गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। इन गाड़ियों के कांच टूटे हैं। पुलिस की 4 गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा विधायक सूर्यकांता व्यास सहित भाजपा के कई नेताओं ने वहां धरना भी दिया है। इसके पहले सोमवार देर रात जालोरी गेट चौराहे पर लाउडस्पीकर व झंडे हटाने को लेकर 2 पक्षों के बीच पथराव हुआ था। दोबारा फिर इसी जगह पर हंगामा शुरू हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक समुदाय के लोग स्वतंत्रता सेनानी बालमुकुंद बिरसा की मूर्ति पर लगे झंडे और जालोरी इलाके में ईद को लेकर टांगे गए बैनर को लेकर नारे लगाने लगे। इसके बाद दूसरे समुदाय के लोग आक्रोशित हो गए और फिर दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस घटना के बाद रात 2 बजे जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने शहर में इंटरनेट सेवा बंद करने के आदेश जारी कर दिए।
फिलहाल संवेदनशील क्षेत्रों व घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। गहलोत ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि जोधपुर मारवाड़ की प्रेम एवं भाईचारे की परंपरा का सम्मान करते हुए मैं सभी पक्षों से मार्मिक अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें एवं कानून व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। ताजमहल में जलाभिषेक की जीत पर अड़े अयोध्या के छावनी तपस्वी अखाड़ा के जगतगुरु परमहंसाचार्य को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हालांकि पुलिस उन्हें कहां ले गई है यह अभी किसी को पता नहीं है। पुलिस अधिकारी इस पर फिलहाल कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बता दें कि इससे पहले परमहंसाचार्य ने कहा था कि अक्षय तृतीया से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शुरुआत होगी, इससे अच्छा कोई मुहूर्त नहीं हो सकता। उन्होंने तेजो महालय का भूमि पूजन और शुद्धिकरण करने का दावा भी किया। इसके लिए उन्होंने पूर्वी गेट से भगवा और ब्रह्मदंड के साथ प्रवेश करने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए वे हर संघर्ष को तैयार है। लोगों को ताजमहल का गलत इतिहास बताया गया है। परमहंसाचार्य ने 5 मई को ताजमहल पर धर्म संसद का आह्वान किया है। इस ऐलान के बाद उन्हें ऐसा लगा कि कहीं पुलिस उन्हें नजरबंद न कर दे, इसलिए बीती रात गुपचुप आगरा आ गए। इस बीच पुलिस को भनक लग गई और ताजमहल से कुछ किलोमीटर पहले ही पुलिस ने उनके काफिले को रोक लिया। परमहंसाचार्य ने कहा कि भगवा का अपमान किया जा रहा है, यदि यह मुझे सम्मान सहित नहीं ले जाते हैं तो मैं यही बैठा रहूंगा, प्राण त्याग दूंगा, लेकिन शिवालय तेजो महल में जाए बिना नहीं लौटूंगा। ईद के मौके पर माहौल खराब करने के आरोप पर उन्होंने कहा कि पूरा देश आज ईद नहीं मना रहा है, सनातनी तो परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया मना रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ स्थित करबला ताजनगर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां दिल्ली से ईद मनाने आए इंजीनियर की हत्या कुकर से पीट पीट कर कर दी गई। अपराधियों ने प्रेशर कुकर से इतने वार किए कि इंजीनियर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहम्मद जफरुद्दीन के रूप में हुई है, जो ईद मनाने के लिए अपने परिवार के साथ दिल्ली से पटना आया था। फुलवारी शरीफ पुलिस थाने के SHO इकरार अहमद खान ने कहा कि मृतक के सिर में गंभीर चोटें थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रथम दृष्टया परिस्थितियों को देखते हुए लूट का मामला नहीं लग रहा है, इसलिए मामला संदिग्ध है। घर पर सिर्फ जफरुद्दीन, उनकी पत्नी शाहनवाज परवीन और 2 नाबालिग बच्चे थे। पुलिस के अनुसार जफरुद्दीन दिल्ली में एक इंजीनियर के रूप में काम करता था और रविवार को अपने परिवार के साथ पटना आया था। प्रारंभिक जांच से ऐसा लग रहा है कि परिवार के किसी परिचित ने उसके घर में दोस्ताना प्रवेश के बाद अपराध किया है, क्योंकि वहां से कुछ भी चोरी नहीं हुआ। जफरुद्दीन की पत्नी ने कहा कि वह दूसरे कमरे में सो रही थी और सुबह शव देखा। जिस तरह से घटना हुई वह बहुत ही संदिग्ध है। पत्नी ने घटना के बारे में पुलिस को सूचित भी नहीं किया, अभी वह सदमे में है। स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना के दिन देर रात पति पत्नी में कुछ विवाद हुआ था, हालांकि अभी इसका आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी कर्मचारी को किया गया अतिरिक्त भुगतान उसके रिटायरमेंट के बाद इस आधार पर नहीं वसूल किया जा सकता कि उक्त वेतन वृद्धि किसी गलती के कारण हुई थी। जस्टिस SA नजीर और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की पीठ ने कहा कि अतिरिक्त भुगतान की वसूली पर रोक लगाने की अनुमति अदालतों द्वारा दी जाती है और यह कर्मचारियों के किसी अधिकार के कारण नहीं बल्कि न्यायिक विवेक के तहत कर्मचारियों को उसके कारण होने वाली कठिनाइयों से बचने के लिए है। जस्टिस S. अब्दुल नजीर और जस्टिस विक्रमनाथ की पीठ ने केरल के एक सरकारी शिक्षक के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके खिलाफ राज्य की ओर से गलत तरीके से वेतन वृद्धि देने के लिए वसूली की कार्यवाही शुरू की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी 20 साल की कानूनी लड़ाई को समाप्त कर दिया। वह केरल हाईकोर्ट में केस हार गए थे। इस शिक्षक ने 1973 में स्टडी लीव ली थी, लेकिन उन्हें इंक्रीमेंट देते समय उस अवकाश की अवधि पर विचार नहीं किया गया था। 24 साल बाद 1997 में उन्हें नोटिस जारी किया गया और 1999 में उनके रिटायर होने के बाद उनके खिलाफ वसूली की कार्यवाही शुरू की गई। इसके खिलाफ उन्होंने पहली बार केरल के मुख्यमंत्री के सार्वजनिक निवारण शिकायत ब्रांच से संपर्क किया, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली, जिसके बाद वो हाईकोर्ट पहुंचे। यहाँ उनकी याचिका खारिज हो गई। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां उनके हक में फैसला आया। भारत के दक्षिण राज्य केरल में टैपियोका की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इसे कसावा या युका भी कहा जाता है। टैपियोका की जड़ से ही साबूदाना बनाया जाता है। अब तिरुवनंतपुरम स्थित केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों की एक टीम ने इसके पत्तों से बिजली पैदा करने की तकनीक विकसित की है। वैज्ञानिकों का यह आविष्कार स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के लिए भारत की पहल को नई गति प्रदान कर सकता है।
यह संस्थान पिछले कई वर्षों से टैपियोका के पत्तों से जैव कीटनाशक उत्पादन में लगा हुआ है और अब तक 3 ब्रांड विकसित किए हैं, ननमा, मेनमा और श्रेया। वैज्ञानिकों की इस टीम का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर सीए जयप्रकाश को इसी क्रम में कसावा के पत्तों से बिजली पैदा करने का विचार आया। खुद जयप्रकाश ने बताया कि पत्तों से कीटनाशक अणुओं को निकालने के बाद जैव अवशिष्ट बच जाता था, लिहाजा उन्होंने सोचा कि क्यों न इस बचे हुए अवशिष्ट का बिजली बनाने में इस्तेमाल किया जाए। संभावना को पता लगाने के लिए वे बचे हुए अवशिष्ट को एक विशेषज्ञ माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पास ले गए। विशेषज्ञों ने पाया कि निष्कर्षण कचरे में मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया अच्छी तरह से विकसित हुए हैं। यह जानकारी हमारी रिसर्च के लिए बेहद अहम साबित हुई। फिर बाद में बचे हुए उत्सर्जन से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोसल्फाइड के अंशों को खत्म करने का तरीका भी हमने खोज निकाला। अंत में मीथेन को एक जगह एकत्रित किया गया और पावरहॉक बायोगैस जनरेटर की मदद से बिजली पैदा किया गया। रूस यूक्रेन का युद्ध अब अंतरिक्ष की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। रूस ने इसके लिए एक टॉप सीक्रेट सैन्य अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। तो अमेरिका जंग का बादशाह कहे जाने वाली घातक तो M777 यूक्रेन को दे रहा है। वही जर्मनी की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में दादागिरी दिखा रहे चीन को कड़ा संदेश दिया है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उनके खिलाफ इश निंदा की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो उधर लगातार विरोध प्रदर्शनों के बावजूद माना जा रहा है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट गर्भपात के कानूनी अधिकार को खत्म कर सकता है। दुनिया भर में जारी ताजा तरीन हलचलों में से इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रूस यूक्रेन का युद्ध अब अंतरिक्ष की ओर बढ़ता दिख रहा है। रूस ने कॉस्मस 2555 नाम का एक टॉप सीक्रेट सैन्य अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है जो पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। रूस ने 29 अप्रैल को अंगारा 1.2 रॉकेट से इस अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के कक्षा में पहुंचाया। मिर्नी शहर के प्लेट्स कोस्मोड्रोम से इसे लॉन्च किया गया जो अपने हीरे की खदानों के लिए मशहूर है। रूस की ओर से कहा गया कि अंगारा 1.2 की यह पहली ऑपरेशनल उड़ान है। इसके साथ ही 2022 में इसके जरिए 3 लॉन्च करने की योजना थी जिनमें से एक पूरा हो गया है और 2 बची है। जो 2 उड़ानें होनी है उनमें से एक रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस के लिए होगी और दूसरी दक्षिण कोरिया की एक वाणिज्य उड़ान के रूप में होगी। कई विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह स्पेसक्राफ्ट एक रडार सैटेलाइट सिस्टम है जिसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में कर सकता है। इस रडार से निगरानी की जा सकती है। नासा स्पेस फ्लाइट का ऐसा मानना है कि इसी तरह का पेलोड 2017 में लॉन्च किया गया था जो इसी उद्देश्य के लिए था। प्लेसेट कोस्मोड्रोम की स्थापना 11 जनवरी 1957 को एक सैन्य स्थल के रूप में की गई थी। इसे अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग के लिए बनाया गया था। ये नया लॉन्च तब हुआ है जब रूसी अंतरिक्ष प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने कहा कि देश के भले के लिए वह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ देंगे। रूस के साथ पिछले 69 दिनों से भी पूरी दिलेरी के साथ युद्ध का सामना कर रही यूक्रेन की सेना को अब अमेरिका जंग का बादशाह कहे जाने वाली अपनी घातक तोप M777 दे रहा है। खबरों के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को कुल 90 M777 तोपें दे रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस अमेरिकी तोप के यूक्रेन की सेना में शामिल होने के बाद अब रूसी सेना को खुले में आना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यही नहीं, यूक्रेन की सेना इस तोप की मदद से रूस के कब्जा किए यूक्रेनी इलाके पर फिर से अपना नियंत्रण हासिल कर सकती है। यूक्रेन के 200 सैनिकों को इन तोपों को चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके बाद 50 और यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। यूक्रेन के तोपखाना रेजिमेंट के पहले जत्थे को कनाडा के सैनिक ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रीय गार्ड भी इन तोपों को चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये राष्ट्रीय गार्ड रूस के हमले से पहले ही यूक्रेन में ट्रेनिंग को अंजाम दे रहे थे। गौरतलब है कि ड्रोन और आधुनिक हथियारों के इस दौर में भी तोपें जंग में तबाही मचाने में हमेशा कारगर साबित हुई है। साल 2017 में सीरिया के रक्का शहर में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अमेरिका के एक मरीन सैनिकों के दल ने M777 तोप से इतने ज्यादा गोले दागे थे कि उनकी 2 तोपों की बैरल ही जल गई थी। नेपोलियन बोनापोर्ट के समय से लेकर अभी तक तोपों के खिलाफ कोई बचाव नहीं दिखता है, इसलिए इसे जंग का बादशाह भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में दादागिरी दिखा रहे चीन को कड़ा संदेश दिया है। भारत और जर्मनी के संयुक्त बयान में साफ तौर पर कहा है कि दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी बनाए जाने पर बल देते हैं। साथ ही दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान को इसका केंद्र मानते हैं। इस बयान में जर्मनी ने रूस के यूक्रेन पर हमले की कड़ी आलोचना की है। विश्लेषकों का मानना है कि भारत के साथ संयुक्त बयान में जर्मनी की आलोचना को जगह दिया जाना रूस को एक संकेत है।
इसलिए कि जर्मनी ने तमाम ऊहापोह के बाद अब भारत को भी G7 की विशेष बैठक में शामिल होने का न्योता दे दिया है। इस बैठक में रूस को यूक्रेन पर घेरने के लिए आयोजित किया गया है। जर्मनी की कोशिश है कि रूस के दोस्त भारत को किसी तरह से अपने पाले में लाया जाए। यही नहीं, जर्मनी भारत को रूसी हथियारों का विकल्प मुहैया कराने के लिए भी तैयार है। पीएम मोदी और चांसलर शोल्ज ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। इसमें आतंकवादियों का छद्म इस्तेमाल और सीमा पार से आतंकवाद भी शामिल है। पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए दोनों ही नेताओं ने सभी देशों से आतंकवादियों के पनाहगाहों और बुनियादी ढांचे को खत्म करने, आतंकवादी नेटवर्क को बाधित करने का आह्वान किया। भारत और जर्मनी ने यह बयान ऐसे समय पर दिया है जब चीन न केवल लद्दाख में भारतीय इलाके पर आंखें गड़ाए हुए है बल्कि ताइवान को लगातार बॉम्बर भेजकर डरा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उनके खिलाफ ईश निंदा की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। सूत्र बताते हैं कि सरकार इस मामले में कड़ी कार्रवाई के मूड में है। हालांकि इमरान खान की पार्टी ने इस मुकदमे को गैरकानूनी बताया है। इस बीच पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने दावा किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पिछले महीने अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाए जाने के बाद 15 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की एक शानदार कार अपने पास रखी है। मरियम ने कहा कि BMW X5 नामक यह कार विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की कारों के बेड़े में से एक है। बम और बुलेट प्रूफ यह कार 6 साल पहले लगभग 3 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में खरीदी गई थी। मंत्री ने यह भी दावा किया कि खान ने एक अन्य देश के राजनयिक से तोहफे में मिली एक हैंडगन भी अपने पास रख ली, जिसे तोशखाना में जमा कराना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान के कानून के अनुसार किसी दूसरे देश के अतिथि से मिले तोहफे को तोशखाना में रखा जाना चाहिए। पिछले महीने अविश्वास प्रस्ताव में हारने के बाद इमरान खान को पद से हटा दिया गया था। तब से उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ का शहबाज शरीफ की नेतृत्व वाली सरकार से विदेशी तोपों पर गतिरोध चल रहा है। मरियम ने कहा कि इमरान ने सिर्फ सरकारी तोपों में ही घोटाला नहीं किया बल्कि उन्होंने चीनी और आटा घोटाला करके भी काफी पैसा कमाया। इस बीच खबर है कि इमरान खान को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अमेरिकी राजनीति में गर्भपात सबसे पेचीदा मसलों में से एक है। 2021 के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 59% अमेरिकी वयस्कों का मानना था कि यह सभी या अधिकांश मामलों में कानूनी होना चाहिए, जबकि 39% लोगों ने कहा था कि यह अधिकांश या सभी मामलों में अवैध होना चाहिए। पर अब माना जा रहा है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट गर्भपात के कानूनी अधिकार को खत्म कर सकता है। यह जानकारी एक लीक हुए रिपोर्ट से पता चली है। रिपोर्ट बताती है कि जस्टिस सैमुअल अलिटो ने 98 पेज के ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट में लिखा है कि 1973 का रो वी वेड का गर्भपात के अधिकार का फैसला बहुत गलत है। इसे शुरुआत से ही गलत बताया गया है। जस्टिस अलिटो ने कथित तौर पर यह भी लिखा है कि रो वी वेड का तर्क असाधारण रूप से कमजोर था और इसके हानिकारक परिणाम थे। कहा गया है कि गर्भपात का अधिकार राष्ट्र के इतिहास और परंपराओं में गहराई से निहित नहीं है और यह रूढ़िवादियों की राय है। रिपोर्ट के मुताबिक एक लीक प्रारंभिक मसौदा बहुमत राय से पता चलता है कि अदालत ने रो बनाम वेड को उलटने के लिए मतदान किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई की शुरुआत में कोर्ट इस मामले पर अपना फैसला सुना सकता है। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी लिखे हुए दस्तावेज को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाओं ने मेरे शरीर पर प्रतिबंध, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं के मानवाधिकार, मेरा शरीर मेरी पसंद जैसे तख्तियां लेकर विरोध कर रही है। गर्भपात अधिकार समर्थक कोर्ट के सामने लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए VKB News। नमस्कार।